उनसे पूछिए एक ही सवाल कि जब आप 15 साल तक थे, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें आरक्षण का मामला चला, क्या क्या प्रेस केस को कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट भेजते, तो उनको तो आरक्षण की याद कब आती है, जब वो सत्ता से बाहर होते। तो 15 साल तक यहाँ काबिज रहे, पिछड़ों का आरक्षण का मामला था, अनुसूचित जाति का आरक्षण का मामला था, महिलाओं का आरक्षण का मामला था, उसमें नहीं आते। अब 90% अभी तो देखिए सवाल ये उठता है, 90% की बात कर रहे हैं, तो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं तो आपका अपना इतिहास देख लीजिएगा। कम से कम अभी केंद्र सरकार ने एक निर्णय, बहुत ही साहसिक निर्णय लिया कि 50% आरक्षण को बिना टच करते हुए जो हमारे सामान्य वर्ग के हमारे जो गरीब बच्चियां हैं उनके लिए 10% का अलग से आरक्षण किया, संविधान में संशोधन लाया। ये धारणा से नहीं होता, इसके लिए संविधान में जो व्यवस्था है उसको संशोधन करना। हमारा तो इतना ही कहना है, जिस चीज की आज लोग चर्चा कर रहे हैं जब उनको मौका मिलता है तो बिल्कुल ही भूल जाते हैं। उनकी देखिए चिंता होती है कि मैं मेरा परिवार कैसे बढ़े, हमारे परिवार की समृद्धि कैसे बढ़े, उनको बिहार से क्या लेना देना पढ़ने लिखने की बात। ये किस दिन उतरे, ये उतरे अभी, और मैं उनके तो नेता लोग हैं ना राज्यसभा में, उनसे पूछिए कि राज्यसभा में जो केंद्रीय जल मानव संसाधन मंत्री हैं जावड़ेकर साहब, स्पष्ट हम लोगों ने उनसे बयान दिलवाया था कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसके खिलाफ हम लोगों ने फिर से पिटीशन दाखिल किया है, अगर वो रिजेक्ट हो गया, समय नहीं है तो हम लोग ऑर्डिनेंस लाएंगे, और इस बीच में कोई बहाली नहीं होगी। जो आप समझिए कि जब राज्यसभा के पटल पर मंत्री का बयान आता है उसके बाद आप जितना करें सब नाटक नौटंकी है, और नाटक नौटंकी आपका खत्म हो गया, माने आप सड़क पर कौन कौन निकले जब देखते होंगे ना, पटना में कौन कौन लोग उनके नेता निकले, सब लोग 70 पार वाले निकले, जिनका उम्र 70 के पार थे वो लोग बैनर लेके चल रहे थे, जो ट्वीट करते हैं वो लोग तो थे ही नहीं कोई,